हेलो दोस्तों, कमलेश इलेक्ट्रीशियन में वेलकम बैक है। आज का जो टॉपिक है दोस्तों, हम लोग स्टेयर लाइट में वायरिंग कैसे तरीके से करेंगे और ग्रेनाइट में कैसे अल्मीनियम प्रोफाइल लाइट लगाने वाले हैं आपको आज के वीडियो में बताने वाले हैं, और कैसे तरीके से मोशिंग सेंसर और कंट्रोलर कैसे A to Z आपको बताएंगे, कैसे तो इसमें इंस्टॉलेशन करना है और कैसा वायरिंग करना है, कितने mm का वायर डालना है, कौन सा केबल डालना है और कितने mm का प्रोफाइल लाइट, कितने mm का हमारा स्ट्रिप लाइट, आज के वीडियो में पूरा आपको जानकारी देने वाले हैं। चलो आपको लेके चलते हैं हमारे स्टेयर पर, जो हम लोग स्टेयर में प्रोफाइल लाइट कैसे तरीके से इसमें चिपकाना है और वायरिंग कैसे करते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, कैसे तरीके से यहाँ पर ग्रेनाइट में हम लोग अल्मीनियम प्रोफाइल लाइट पट्टी जो हम लोग चिपका के रखे हैं, 17 mm का अल्मीनियम पट्टी है ये, और ये LED स्ट्रिप जो है हमारा इसी में चिपकाने वाला है। तो स्टेयर लाइट के लिए देखिए ऐसे तरीके से पहले से व्यवस्था बनाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर ग्रुपिंग करके देखिए कटा गया है ग्रेनाइट, इतना हमारा इंच रहता है, उस हिसाब से हमारा लेंथ के हिसाब से हम इसको कटिंग करेंगे, उसके हिसाब से हम लोग इसको चिपकाएंगे। और उसके बाद एरर लाइट से इसको चिपकाया गया है और स्टेयर में इसी को यूज करते हैं हम लोग, क्योंकि वाटर प्रूफ भी बनाना है। चलो उसके बाद आपको बताते हैं वायरिंग कैसे तरीके से करना है। ये हमारा 1 मीटर का अल्मीनियम प्रोफाइल लाइट लगा गया है और काफ़ी लंबा है, 1 मीटर लगाना ही है। उसके बाद देखिए आपको चलाते हैं वायरिंग के बारे में। देखिए हम लोग सेंसर का वायर छोड़े यहाँ पर, दो मोशिंग सेंसर से भी ऑपरेट करेंगे इसको। और देखिए यहाँ पर वायरिंग पॉइंट हम लोग का केबल वायर, ठीक है, यहाँ पर दोस्तों केबल ही वायर यूज करना है, दूसरा वायर यूज करेंगे तो, क्योंकि यहाँ पर ख़राब हो जाएगा, कट जाएगा, वाटर प्रूफ भी करना है। और देख सकते हो कैसे तरीके से वायर जो हमारे स्टेयर का जितना भी वायर है वहाँ से हम लोग लेके गए हैं, हमारे एक जगह बॉक्स बनाएंगे कंट्रोलर, उस जगह हम दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पर होल किए हैं, होल के नीचे में हमारा एक बॉक्स है, तो बॉक्स के नीचे में हम लोग इसको पैनल लगाने वाले हैं यहाँ पर कंट्रोलर, ठीक है, तो कंट्रोलर यहीं पर लगेगा। उसके बाद आपको बताए, देखिए यहाँ पर तो कंट्रोलर लगेगा हमारा, तो आपको पहले दूसरा वीडियो पार्ट में बताऊंगा यहाँ पर कंट्रोलर कैसे तरीके से इसको इंस्टॉलेशन करेंगे, ठीक है। पहले आपको बताते हैं स्टेयर जो हमारा है, टोटल स्टेयर जो है हमारा 21 स्टेयर का बनने वाला है, और हर जगह स्टेयर में हम लोग 1 मीटर का देखिए 14 नंबर का होल स्टार्टिंग है। उसके बाद देखिए यहाँ पर टोटल वायर हम लोग नाम लिख के रखें, क्योंकि नंबर लिख दिए हैं तो बाद में, क्योंकि वायर हम लोग को ढूंढना मत पड़े बोल के हम लोग नंबर लिख के रखें, आप भी लिख सकते हो ऐसे तरीके से। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 17 नंबर आपको लिख के दिखाते हैं, यहाँ पर 17 नंबर का पॉइंट है। उसके बाद टोटल 21 स्टेयर का बनाने वाले हैं, तो 21 स्टेयर का पूरा नंबर वायर कोटी करेंगे। यहाँ पर 1.5 mm का वायर है, केबल वायर जो हमारे 3 कोर केबल है। और उसके बाद दोस्तों आपको बताएंगे पूरे ग्रेनाइट में लगने के बाद जो केबल वायर है कैसे तरीके से हमारा वायर जो है लगेगा, फिटिंग कैसे होगा। चलो आपको लेके चलते हैं, ग्रेनाइट लगने के बाद आपको दिखाते हैं कुछ देर के बाद। आपको हाल के रखे हैं जहाँ पर पॉइंट है सीढ़ी का, एक एक पॉइंट में, ठीक है, ये हमारा स्टेयर पॉइंट है। तो ये टोटल हमारे स्टेयर में एक एक पॉइंट हम लोग केबल जो है निकाल के रख दिए थे, ताकि अपने को लाइट जो लगाने के लिए आसानी हो जाए LED स्ट्रिप। अब देखिए एक एक करके हम उसको वायर को छीलेंगे, यहाँ पर जितना का काम है उसके हिसाब से हम लोग वायर को इसको छीलेंगे। तो यहाँ पर 3 वायर है, 3 केबल का, उसमें माइनस प्लस और एक हमारा डाटा वायर, तो हम डाटा वायर को डिस्कनेक्ट कर देंगे, खाली यहाँ माइनस प्लस करेंगे। अब देखिए दोस्तों, आज हम लोग सीढ़ी का स्टेयर है और इसका हम लोग पावर सप्लाई जो है हम लोग कहाँ बैठाएंगे आपको उसको भी दिखाते हैं। और अभी LED स्ट्रिप कौन कौन सा लगाएंगे इसमें हम लोग लगाने वाले हैं, पर मीटर हमारा LED बल्ब रहेगा 240। हम लोग पूरा केबल को लेके आए हैं और जो हमारा कंट्रोलर जो है यहाँ पर लगाएंगे हम लोग बोर्ड पर, और पूरा वायर का केबल जो है यहीं पर लाना है, जितना भी वायर होगा देख सकते हो यहाँ पर 16 से 21 वायर है हमारा केबल। तो उसके लिए है वायरिंग जो है पहले से तैयारी करना पड़ता है, तब जाके हमारा जो है ये पॉइंट जो है लगेगा। देख सकते हो यहाँ पर पूरा केबल जो है पूरा अच्छे तरीके से इसको हम लोग निकालें, ताकि अपने को वायरिंग करने में तकलीफ मत हो और कंट्रोलर यहीं पर लगाना है। दोस्तों हमारा LED स्टेप रॉयल कंपनी का है, और देखिए आपको मॉडल नंबर आपको बता दें 40, ठीक है, ये हमारा मॉडल नंबर है। ये पर मीटर हमारे को 240 बल्ब हमारे को मीटर मिलेगा, कलर है वॉम वाइट, ठीक है, ये LED स्टेप इसी को बोला जाता है। और देखिए हम लोग स्टेयर पर इसको लगाने वाले हैं, जो हमारे एक पहले वीडियो में आप देखे होंगे हमारा रॉयल कंपनी का स्टेयर लाइट जो हम लोग बनाए थे। ये देखिए हम लोग कंट्रोलर सेंसर के लिए एक पॉइंट छोड़ें, ये और स्टेयर का पूरा जितना भी वायरिंग है छोड़ के रखें। और देखिए यहाँ पर हमारा पावर सप्लाई है,
12 वोल्ट 10 एम्पियर का। ये रोल जो है एक रोल में हमारा एक ही पावर सप्लाई लगाने का है। फिर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर जो हमारा स्टेयर जो है 21 स्टेयर का है, उसमें लग रहा है हमारा कम से कम 21 मीटर करीब, ठीक है। तो हम क्या कर स्ट्रिप के लिए लगाएंगे, क्योंकि ये छोटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्टेयर जो हमारा बहुत बड़ा हो गया, कंट्रोलर में भी बिना एक अलग अलग पावर सप्लाई नहीं लगा पाएंगे। तो एक ही पावर सप्लाई का वायरिंग करेंगे, उसके बाद पूरा LED स्ट्रिप आपको बताते हैं कैसे तरीके से इसको लगाना है। अब तो देखे होंगे पहले हम लोग वायरिंग कैसे किए हैं, अल्मुनियम पट्टी कैसे लगाएं, उसके बाद हमारा बज गया वायरिंग करेंगे। नॉर्मल LED स्ट्रिप है तो हम इसमें खाली माइनस प्लस जोड़ेंगे, आपको दिखाते हैं इसमें। देखिए ये हमारा LED स्ट्रिप, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर हर जगह पॉइंट में इसको कटिंग। 3 बल्ब हम लोग यूज कर सकते हैं, जो कैंची का कटर मार्किंग है। तो हम क्या करने वाले, LED स्ट्रिप में जो हम लोग यहाँ पर गाला है हमारा, देखिए यहाँ पर गाला है, आपको दिख नहीं रहा होगा। देखिए यहाँ पर हम लोग माइनस प्लस जोड़ेंगे, ये पॉइंट है हमारा माइनस प्लस का। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा माइनस प्लस LED स्ट्रिप में, पहले LED स्ट्रिप में वायर है माइनस प्लस, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर वायर जो में इसमें ज्वाइन कर देंगे, इसमें सोल्डिंग नहीं करना पड़ेगा, ताकि अपने डाटा वाला वायर को छोड़ देंगे, यहाँ पर डाटा वायर को छोड़ दिए और ये माइनस प्लस में जोड़ दिए, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले इसको सोल्डिंग कर देंगे वायर को, और उसके बाद हम LED स्ट्रिप को ऐसे लगाना है, ठीक है, ऐसे तरीके से। तो ये हमारा LED स्ट्रिप है, इसको अच्छे इसे तरीके, ठीक है, ये इसको LED स्ट्रिप को, ये वाला गॉन है यहाँ का ब्लू गॉन, इसको निकालना है, स्टिकर है यहाँ पर, और ये ब्लू वाले स्टिकर को निकाल देना है। उसके बाद इसको हम लोग चिपका देना है, ठीक है, कैसे तरीके से चिपकेगा आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर पॉइंट है, ऐसे तरीके से इसको हम लोग LED स्ट्रिप को चिपका देंगे, और यहाँ हमारे पहले से हम लोग प्रोफाइल पट्टी जो है लगा के रखे थे, बोल के यहाँ पर हमारा आसानी से ये चिपक जाएगा। देखिए लोग जोड़ दिए, इसके बाद हम लोग आराम से इसको लेते हुए चिपकाते हुए लेके जाएंगे हमारे प्रोफाइल पट्टी में। देखिए यहाँ पर प्रोफाइल पट्टी है, उसको आसान से इसको खोल लेते हैं पहले। उसके बाद देखिए एक एक करके हम लोग सेम प्रोसीजर में इसको अच्छे तरीके से इसको चिपका देंगे आपको, और एक बार इसमें देखिए यहाँ पर पॉइंट है, देख सकते हो हमारा LED स्ट्रिप जो है लग चुका सीढ़ी स्टेयर में। अब देखिए कैसे तरीके से यहाँ पर LED स्ट्रिप में हम लोग लगाएं, और उसके बाद हम बचेगा यहाँ पर सोल्डिंग करना, यहाँ पर इसको चटनी लगा दिए, और उसके बाद हल्का सा चटनी लगाना इसमें वायर में, और सोल्डिंग करना है, ठीक है। और एक हम लोग को रंगा चाहिए, देखिए यहाँ पर हम लोग सोल्डिंग कर दिए इसको, सोल्डिंग कर देते हैं, और कर भी दिए थे एक को, और एक को बचा था तो हम लोग सोल्डिंग कर देते हैं, और सोल्डिंग करने के बाद इसमें टेप मार देंगे, ठीक है, ब्लैक टेप मार देंगे। एक स्टेयर हो गया पहले, उसके बाद दूसरा वाला हम लोग स्टेयर करेंगे, और इसको अलग तरीके से करेंगे। यहाँ पर वायर नहीं है हमारे पास, LED स्ट्रिप में हमारे वायर नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर सोल्डिंग कर देंगे, ताकि इसको नापना है ऐसे तरीके से, और इसके ऊपर सोल्डिंग कर देना है, ठीक है। आपको दिखाते हैं कैसे तरीके से सोल्डिंग करेंगे, इसको नापेंगे ऐसे, पहले LED स्ट्रिप यहाँ रख देंगे, यहाँ पर रखेंगे पहले, जहाँ पर पोजिशन है इसका उस हिसाब से हम लोग को LED स्ट्रिप जो है यहाँ पर सोल्डिंग कर देंगे। हम लोग इसको नाप दिए, और जहाँ पर सोल्डिंग करना है वहाँ पर हम लोग इसको कटिंग कर देते हैं, और उसके बाद सोल्डिंग कर देंगे 20 से। हमारा वायर सोल्ड हो गया, और इसको माइनस प्लस भी कर दिए, और उसके बाद हमारा बचा बारी यहाँ पर इसको चिपकाने का, ठीक है, इसको ऐसे तरीके से चिपकाएंगे जैसे कि पता भी आपको नहीं चलेगा। देखिए इसको गो निकाल दिए ब्लू कलर का, और उसको हम लोग जहाँ पर ऊपर वाला सीढ़ी का स्टेयर का देखे थे, यहाँ पर जो हम लोग यहाँ से स्टार्टिंग किए थे, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट है हमारा यहाँ से, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको भी स्टार्टिंग करेंगे, ताकि अपने को लाइट जो है अच्छे तरीके से वर्क करे, और पॉइंट हमारा देखिए यहाँ पर हमारा पट्टी है अल्मुनियम पट्टी स्टेयर का, तो हम क्या करेंगे पहले स्टेयर में जो है इसको लगा देते हैं। देखिए सेम प्रोसेसर में अपने को करना है, और LED स्ट्रिप हम लोग उसका पहले से कटिंग कर दिए थे, इसको हम लोग जो है नाप के करेंगे, यहाँ पर जैसे ही नापे थे
उतने ही सेंटर में इसको भी नापना है और उसके बाद कटिंग कर दे। ये से आपको बताते हैं यहाँ पर कैसे तरीके से लगाना है। इसको कटिंग करते हैं, हमारा यहाँ पर आ गया स्टेयर में, उसके बाद कटिंग करके इसको कैंची कटर रहता है वहाँ पर काट के इसको चिपका देना है। ठीक है, देख सकते हो पहले वाला स्टेयर का लग गया यहाँ, उसके बाद जो है हमारा दूसरा वाले यहाँ पॉइंट है। ऐसे तरीके से हम लोग पूरा स्टेयर का हम लोग वायरिंग करने वाले हैं। पूरा वीडियो तो आपको नहीं दिखा सकता एक एक करके, तो हम दो का आपको बता दिए ना सेम प्रोसीजर हम लोग को ऐसे तरीके से लगाना है। हमारा वायर देख सकते हो कुछ भी आपको ड्रीप, उसके बाद हम लोग को ड्रीपर लगाना है उसका जो पीवीसी कवर, ठीक है, ड्रीपर जो हमारा लाइट का। और ये यहाँ पर वायरिंग हो गया, उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट बचा, इसको करेंगे, उसके बाद तीसरा यहाँ और चौथा यहाँ और पाँच, और पाँच बचा है अपने को टोटल। टोटल हमारा छः स्टेयर है यहाँ से, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 स्टेयर के बाद हमारा को मिलेगा 7 8 9 10, हमारा टोटल 21 स्टेयर का है। तो पहले स्टार्टिंग हम लोग यहाँ से किए हैं जो बाहर एरिया है। बाहर एरिया का आपको चला के देखेंगे कैसे तरीके से वर्क कर रहा है। हम अभी बिना कंट्रोलर का चलेंगे पावर सप्लाई डाल के, ठीक है। स्टेयर का जो कंप्लीट होते होते जा रहा है, और आपको लेके चलता हूँ वहाँ पर, आपको जहाँ पर और बचे हमारा और कुछ स्टेप और बचे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सब काम चल ही रहा है, देख सकते हो पूरा इसको करना है वहाँ तक, और हमारा सेंसर करेगा। और उसके बाद आपको ये जो है, अभी तो कंट्रोलर नहीं है तो हम पावर सप्लाई में रन करके देखेंगे आपको ये जो चलेगा लाइट जो, ठीक है। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था, तो हम सोचे यहाँ पर आपके लिए दूसरा पार्ट जो में हम आपको समझाएंगे कंट्रोलर, पावर सप्लाई और सेंसर कैसे तरीके से लगाते हैं, और आपको इसके बारे में पूरा ए टू जेड जानना है। दोस्तों अगले पार्ट को बिल्कुल देखना, नहीं तो आप बिल्कुल समझ नहीं आएगा। और दोस्तों वीडियो हमारे जो अच्छे लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, ऐसा ऑटोमेशन वाला वीडियो जो हम लोग अपलोड करते रहते हैं। चलो मिलते हैं अगले वीडियो पर, थैंक यू।